तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे भुवन चौहान बाइक की अपडेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा 2022 के ओलंपिया में टॉप 10 से बाहर हुए थे एंड उसके बाद में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग को और भी हार्ड कर दिया और ओलंपिया में जो भी इनसे गलतियां हुई थी एंड इनकी बॉडी में जो भी वीक पार्ट्स हैं उन सभी पर अब इनका बहुत ही ज्यादा फोकस है। तो अब आप इनकी ये करंट फिजिक अपडेट देख सकते हो कैसे लग रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इन अपडेट्स में भुवन भाई की बॉडी फुलर एंड कंडीशन में दिख रही है। इसके साथ ही आप इनके चेस्ट एंड शोल्डर में फाइबर्स को इजीली नोटिस कर सकते हो। तो गाइज आपने भुवन भाई की अपडेट देख ली है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनके अगले पुरुषों के बारे में। तो दोस्तों ये कॉम्पीट करने वाले हैं सेरू क्लासिक पुरुषों में जो इंडिया में होने वाला है एंड उसके लिए इन्होंने अपनी प्रेप भी स्टार्ट कर दी है। तो आपको क्या लगता है कि भुवन चौहान भाई इस पुरुषों को जीतकर मिस्टर ओलंपिया 2023 के लिए क्वालिफिकेशन ले पाएंगे या नहीं? आपके जो भी ओपिनियंस हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। और हाँ भाई, इस साल के सेरू क्लासिक में इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर होने वाले हैं अली बिलाल, जिन्होंने फर्स्ट ओलंपिया में ही 9th प्लेसिंग सिक्योर कर ली थी। तो ये भी अब हमारे साथ अपनी बॉडी के अपडेट्स को रेगुलर शेयर कर रहे हैं जिनमें आप इनकी कंडीशनिंग को देख सकते हो ऑन पॉइंट है। और भाई जो इनका मिड सेक्शन वाला एरिया है वो तो हर वक्त रेजर एंड शार्प कंडीशनिंग में रहता है बिकॉज यही ऐसा पार्ट है जिसमें इन्हें कोई बीट नहीं कर सकता एंड यही स्टेज पर इनकी बॉडी में एक अलग इल्यूजन क्रिएट कर देता है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है। तो दोस्तों आपने अली बिलाल की फिजिक अपडेट देख ली, इनके बाद में हम बात करते हैं इनके अगले प्रोसोस के बारे में। तो दोस्तों दिल्ली वाले प्रोसोस से पहले पिट्सबर्ग प्रोसो में कॉम्पीट करेंगे और भाई मुझे नहीं लगता कि अली बिलाल को इस प्रोसो को जीतने में कोई दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद में मैं आपसे आपके ओपिनियंस जानना चाहूंगा, क्या इस साल दिल्ली वाले प्रोसो में अली बिलाल को भुवन चौहान भाई हरा सकते हैं नहीं, कॉमेंट में जरूर बताना। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आई है मुनीश कुमार की तरफ से। तो दोस्तों ये कॉम्पीट कर रहे हैं इंडियन एस्थेटिक कॉम्पिटिशन में जो 17 मार्च को होने वाला है। तो मैं आपके लिए इनकी वन डे आउट वाली अपडेट लेकर आ गया हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि मुनीश भाई डिप्लीटेड कंडीशनिंग में हैं एंड शोल्डर राउंडेड हैं, एब्स पॉपअप हो रहे हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का साइज भी काफी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स आपने इनकी ये फिजिक अपडेट देख ली, इसके बाद में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इनके लिए कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखें। तो इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है एंड आपको यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग के लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है एंड्री ड्यू की तरफ से। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इन्होंने मेंस फिजिक से स्विच कर लिया है क्लासिक में और भाई मेरी तरह ही आप सभी इन्हें स्टेज पर क्लासिक लुक में देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन दोस्तों इस साल तो हम सभी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती बिकॉज इन्होंने अपनी एक यूट्यूब वीडियो में बता दिया है कि 2023 में कॉम्पीट नहीं करेंगे क्योंकि अभी इन्हें अपनी बॉडी पर और भी काम करना है, जैसे इनके लेग्स को ये और भी बड़ा करना चाह। ये तो आप सबको पता होगा कि इनकी अपर बॉडी तो डोमिनेटिव है पर लेग्स थोड़े कम हैं। तो अभी अपनी ओवरऑल बॉडी का बेस्ट पैकेज बना के हमें 2024 में किसी स्टेज पर देखने को मिलेंगे। इनके साथ ही आप इनकी ये करंट फिजिक अपडेट देख सकते हो जिसमें काफी बढ़िया लग रहे हैं, खासकर इनकी चेस्ट जिसमें फुलनेस के साथ साथ फाइबर्स ऑन पॉइंट है। इसके साथ ही आप इनके बाइसेप्स एंड बैक पर भी फोकस कर सकते हो, बाइसेप्स तो यूज है एंड बैक में मसल मास के साथ साथ थिकनेस की कोई कमी नहीं जो आप इनके लेट्स में नोटिस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने इनकी फिजिक अपडेट देख ली है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये शिवम एंड रोमन को फ्यूचर में बीट कर सकते हैं? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आई है कियोन पियर्सन की तरफ से। इन्होंने भी हम सभी के साथ में अपने ऑफ सीजन की अपडेट शेयर कर दिया जिसे देखकर आप शॉक रह सकते हो क्योंकि भाई जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उनकी तो क्या ही बात करें। आप खुद देख सकते हो इनके शोल्डर के राउंडनेस एंड चेस्ट में जो फुलनेस है वो तो नेक्स्ट लेवल पर है भाई, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनकी फिजिक को बताने के लिए। इनकी इस अपडेट को देखकर मैं यह क्लियर कह सकता हूँ कि सोन क्रेडा के बाद में ये ही ऐसे बॉडी बिल्डर होंगे जो 212 कैटेगरी पर राज करेंगे बिकॉज पहले इनके पास साइज नहीं था पर अब इन्होंने साइज पुट ऑन कर लिया है एंड कंडीशनिंग तो ऑन पॉइंट लाते ही हैं। तो देखते हैं आपकी बार कियोन पियर्सन ओलंपिया में कैसी फिजिक डिस्प्ले करते हैं एंड मैं आपको बताना चाहूंगा ये साल टॉप 3 तो डेफिनेटली क्रैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट एंड बड़ी अपडेट की तरफ। ये किसी बॉडी बिल्डर की फिजिक अपडेट तो नहीं है पर आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले अर्नोल्ड क्लासिक हुआ है एंड उसका टाइटल सैमसन दौदाने और सेकंड पर रहे हैं निक वॉकर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निक वॉकर को सेकंड पर क्यों रखा गया
एंड निक का इसके बारे में क्या रिएक्शन रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में टॉप 3 की पोजिंग वीडियो को देख रहे होंगे, जिसमें निक वॉकर की अपर बॉडी तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिव है एंड इसमें इन्हें कोई भी बीट नहीं कर रहा। पर यहाँ पर निक वॉकर से एक छोटी सी मिस्टेक होती है वेन के लेग्स में, इसके बारे में खुद भी बताते हैं। तो फाइनल्स के दिन निक वॉकर के लेग्स की फुलनेस खत्म हो गई थी एंड उनके जो क्वाड्स में स्वीप थी वो बहुत ही छोटी थी, जिसकी वजह से इनकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा था। और भाई, ये तो आपको पता होगा कि निक वॉकर की बॉडी का शेप या फिर स्ट्रक्चर मान लो इनका कभी साथ नहीं देता। तो दोस्तों, यहाँ पर बैठे जजेज ने कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियों को नोटिस किया एंड निक वॉकर को सेकंड पर रख दिया। तो गाइस, इस कॉम्पिटिशन के बाद में सैमसन दवा के बारे में निक ने क्या बोला है, हम आपके लिए उसकी छोटी सी क्लिप लेकर आए हैं। Samson looked incredible. Hats off to Samson, but he didn't take me out. और हाँ भाई, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, निक वॉकर ने 2023 के मिस्टर ओलंपिया के लिए अब अलग स्ट्रेटेजी बना ली है और अब हमें ये डायरेक्ट ओलंपिया के स्टेज पर ही देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, पहले तो निक वॉकर के सामने ओलंपिया में डेरेक लंसबर्ट एंड हार्डी चुबानी पत्थर बन के खड़े हुए थे, बट अब की बार सैमसन दौदा एक चट्टान बनकर आएंगे, बिकॉज अब इन्होंने अपने ऑफ सीजन के अनाउंसमेंट कर दिए एंड अब इनका कहना है कि अब की बार ओलंपिया के टाइटल को जीतने के लिए मुझे अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर पुश करना होगा। तो दोस्तों, अब की बार ओलंपिया को देखने में तो और भी मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।